हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर गुड। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग जो आने वाला है ना, वो होने वाला है त्राही हो रही है। हम इधर पेट्रोल के पीछे दो पेट्रोल पंप से होकर आए, मैंने सोचा कि मिल जाएगा, ये लास्ट पेट्रोल पंप है। इधर भी देखो इतना लंबा जाम, तो अंदर इन्होंने तारे वगैरह लगा दिए, बोरे पेट्रोल ख़त्म। तो आप देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम पेट्रोल पाने के लिए, और मेरी गाड़ी में सिर्फ इतना पेट्रोल है। या तो ये पूरा ख़त्म करके हम घर पहुंचेंगे, या तो कुछ लेके घर पहुंचेंगे। ये देखो अब हम दूसरी साइड आए, इधर भी इतना रश बढ़ गया, देख सकते हैं कितना आगे जाम बकवा लगा हुआ। देखो ये पेट्रोल पंप भी जो है ना, ये पुलिस लाइन के अंडर जो है ये पेट्रोल पंप आता है। इधर भी तेल खत्म हो गया, डीजल मिल रहा है, इन गाड़ियों में डीजल मिल रहा है, पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है। पहुंच गए हैं चौथे पेट्रोल पंप पे, अब देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, गाड़ियां तो अंदर जाने दे रही। सी पांच पेट्रोल पंप जो है अभी तक हम होकर आ गए, बट अभी तक हमें पेट्रोल का नामो निशान नहीं है। हर एक जगह पेट्रोल खत्म, ऐसा क्या हो गया वे त्राही क्या हो गया ऐसा जिसे पेट्रोल खत्म हो गया। तो अब हम जा रहे हैं ये निगाल साहब वाली साइड, इधर भी दो हैं पेट्रोल पंप, तो सूखे गड्ढे तक पेट्रोल का नामो निशान नहीं। या इतना नहीं देर नहीं रहेगा है ना पेट्रोल का सीन, मेरे को लगता है दो तीन दिन के ज़्यादा बात है, इतना तो मेरे को लगता है पेट्रोल जो चलने वाला वो चल जाता है। बट जम्मू देखना, जम्मू सुबह 8-9 बजे के लगे हुए हैं लोग लाइन में। काका मेरे को वीडियो भेज रहा था, इतना जाम था उधर वो कैप्टन के पेट्रोल पंप में, थे वो क्या बताऊँ। मिला खाली, आप देखते हैं इधर पेट्रोल है भी या नहीं, इन्होंने तो लाइट ही बंद करके रखी। नहीं तो ये ना ढिंगले, ठीक है अभी लास्ट पेट्रोल पंप जो बचा हुआ है वो है, तो देखते हैं अब यहाँ पर ना मिला तो फिर वापस खा लिया। तो लोग कितने आगे वहीं, इधर भी मिल गया पेट्रोल पंप, अगर इधर भी नहीं मिला तो फिर गया। हम 6:30 बजे इधर पूरे जो है पेट्रोल पंप पहुंच चुके थे, एक घंटा हो गया, बट अभी तक पेट्रोल का नामो निशान नहीं है। तो स्टिल ट्राइंग ओवर बेस्ट जो लिंक्स हैं वो लगा रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत हमें पेट्रोल मिल जाए। तो देखो अभी तक इधर जाम लगा हुआ है, ये सारी गाड़ियां ना बीच फंस गई हैं, आधी गाड़ियाँ उधर से आ गई हैं, आधी गाड़ियाँ इधर से, तो बाहर एग्जिट का रास्ता ही नहीं बचा। तो इस तरीके से हमें मिलता है तेल, तो तेल के लिए काफ़ी जद्दोजहद हुई तब जाके हमें ये तेल प्राप्त हुआ। लाइफ में पहली बार इतनी जद्दोजहद करी तेल के पीछे, मुझे बस इसी बात की खुशी थी कि मैं खाली हाथ घर नहीं जा रहा। तो ये था आज पूरे दिन का सिनेरियो, कसम से तेल के पीछे इतनी जद्दोजहद मैंने कभी लाइफ में नहीं करी। ये सडन जो था ये ऐसा आप कह सकते हैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए थे जिसके कारण हमें इतना वेट करना पड़ा। तो करते हैं ब्लॉग की एंडिंग इन द पॉजिटिव नोट, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल दादी को ब्लॉग।